कभी भारत के धाकड़ प्लेयर्स में शुमार उन्मुख चंद की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। उन्मुख की आंख में गंभीर चोट लगी है, उनकी बाई आंख के ऊपर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसी चोट के बाद उनकी आंख में काफी सूजन है। इस चोट के चलते उनकी आंख खुल भी नहीं पा रही है। उन्मुख ने ये तस्वीर खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, एक एथलीट के लिए कभी भी सवारी करना आसान नहीं होता। कभी घर आप विजय प्राप्त करके आते हैं, दूसरे दिन आप निराश हो जाते हैं और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब आप चोट खाकर खरोचों के साथ घर लौटते हैं। भगवान का एक संभावित आपदा से बचाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। खूब खेलें लेकिन सुरक्षित भी रहें। दोनों के बीच एक पतली रेखा होती है। शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। आपको बता दें, उन्मुख चंद ने सब कुछ इशारों ही इशारों में कहा है। खुलकर ये नहीं बताया कि उनकी आंख में चोट कैसे लगी। हालांकि जैसे उन्होंने ट्विटर पर ये तस्वीर पोस्ट की, इस चोट को लेकर ज्यादातर यूजर्स गेट वेल सून कह रहे हैं। कुछ फैंस धोनी को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बिरनी ने काट लिया। उन्मुख चंद अभी सिर्फ 29 साल के हैं। वो पिछले साल 28 साल की उम्र में बीसीसीआई के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वो अमेरिका में हैं और वहाँ क्रिकेट लीग खेलते हैं। उन्मुख चंद वहाँ युवा क्रिकेटर्स को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही भविष्य के लिए अमेरिकी क्रिकेटर्स भी तैयार कर रहे हैं। चंद बिग बैश लीग में अपनी बैटिंग का जौहर दिखाने वाले वो पहले क्रिकेटर हैं। उन्मुख चंद एक वक्त में सबसे उभरते हुए भारतीय क्रिकेटर्स में शामिल थे। अपनी कप्तानी में 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्मुक्त एक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। हर किसी को भरोसा था कि एक दिन चंद टीम इंडिया के लिए खेलेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जिस वक्त में उनका क्रिकेट में पदार्पण हुआ, उस वक्त भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ियों में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन जैसे दिग्गज शामिल थे, जिसके चलते उन्हें कभी सीनियर टीम में मौका ही नहीं मिल सका। वो भारतीय ए टीम तक ही सीमित रह गए। चंद ने आईपीएल में भी हाथ आजमाया। उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल खेला, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए। पिछले साल उन्होंने भारतीय क्रिकेट के हर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया।